नमस्कार दोस्तों, NCTV पर आपका स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद श्री इमरान प्रताप गढ़ी की जो रैली है उसमें भीड़ जो है वो जैन सैलाब के रूप में आ रही है। कल गोधरा में उन्होंने एक रैली की और रैली में जो जिस तरह से जैन सैलाब था उसको देख कर सभी चकित हो उठे और ये गुजरात में चर्चा का विषय है इमरान प्रताप गढ़ी की सभा का। और अब आपको झूठ की एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को एक चैनल ने बढ़ाया है, उस तस्वीर को दिखाते हुए आप देखिए तस्वीर, इसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी की सभा में हंगामा मचा। अब आप खुद देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब इमरान प्रताप गढ़ी मंच पर आ रहे थे। अक्सर हमने देखा है कि जब भी इमरान प्रताप गढ़ी देश में कहीं भी अपनी रैली करने जाते हैं वो एक बड़े शहर की तरह मशहूर हैं, लोग सेल्फी उनसे लेते हैं, लोग मंच पर चढ़ते हैं और यही हुजूम यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन इस चैनल ने दिखाया कि इनकी सभा में हंगामा है, जबकि हकीकत यह है कि ये तस्वीर उस वक्त की है जब इमरान प्रताप गढ़ी इस सभा में मंच पर चढ़ रहे हैं और लोग कांग्रेस पार्टी के जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। वो नारा ये भी लगा रहे हैं, आप सुन सकते हैं कि शेर आया इमरान प्रताप गढ़ी आया। और जिस तरह से हुजूम आ रहा है उसको देखते हुए लोग जो हैं इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन शायद किसी के पेट में ये बात नहीं पच रही है तो ये झूठ की खबर दिखाई जा रही है। एक बार फिर से देखिए कि वो किस तरह से आ रहे हैं। इसी चैनल की ये तस्वीर है, आज तक चैनल की तस्वीर है और ये तस्वीर में श्री इमरान प्रताप गढ़ी मंच पर जा रहे हैं। इस न्यूज़ चैनल ने सुबह से खबर को चला रखा है कि श्री इमरान प्रताप गढ़ी के जो गोधरा में सभा थी उसमें हंगामा मचा और उनको जबरन वापस जाना पड़ा। लेकिन सच्चाई अब आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में इमरान प्रताप गढ़ी गोधरा की सभा को समाप्त करके, अपने भाषण को समाप्त करके वापस जाते हैं और किस तरह का हुजूम दिख रहा है आपको। ये दोनों एंगल से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि वो किस तरह से लोगों से मिलते हुए हुजूम उनके आगे पीछे है। एक मशहूर शख्सियत हैं और शायद उनकी बढ़ती लोकप्रियता कुछ लोग नहीं पचा पाए। ये देखिए तस्वीर,
अब आपको दिखाते हैं, ये सब सच की तस्वीर है कि किस तरह से सभा में इमरान प्रतापगढ़ी ने माहौल को अपने पक्ष में रखा, कांग्रेस के पक्ष में लिखा, और जब भी वो कुछ बोलते हैं शायराना अंदाज में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, कांग्रेस के पक्ष की बात करते हैं, तो जो हुजूम है, जन सैलाब है, वो किस तरह से उनके साथ मिलकर नारा लगाता है, सुनिए उनके भाषण। कि नरेंद्र मोदी जी पिछली बार हारते हारते रह गए, उन्हें पता था कि कांग्रेस ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है, उन्होंने पानी में जहाज उतार दिया था पिछली बार 5 साल पहले, कर्तव्य दिखाए तब जाके भाजपा की सरकार बड़ी मुश्किल से बन पाई थी, तो उन्हें पता था कि इस बार आवाम बहुत गुस्से में है, आवाम चाहती है हुकूमत को बदलना, 27 साल के कुशासन के खिलाफ जनता में गुस्सा है, तो उन्हें पता था कि अकेले कांग्रेस को नहीं हरा सकते, तो उन्होंने अपने दो दोस्त बुलाए, एक दिल्ली से एक हैदराबाद से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में जो आक्रामक प्रचार जिस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी ने किया है उससे बीजेपी बहुत परेशान है, और देखा जाए तो एक पक्ष जो है मीडिया का ये बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, अंततः क्योंकि आज वोटिंग है और वो बार बार इसको किसी न किसी चीज़ किसी न किसी एजेंडा के तहत चलाने की कोशिश हो रही है, जबकि वो बात एक राष्ट्रहित की बात करते हैं, वो तिरंगे की बात करते हैं, वो देश की बात करते हैं। ये सुनिए उनकी स्पीच, ये उस वक्त की है जब वो सभा में बोल रहे थे। हमने पूरी उनकी स्पीच को देखा और स्पीच में कहीं भी ऐसा नहीं था कि जहां किसी ने उनके विरोध में कोई स्वर उठाया है, सभा में हाँ मिला रहे थे। आप ये हुजूम देखिए, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा तो वो सस्ती ताल सस्ती के सुहाने दिन ही लौटा दो, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया, के ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। तो ये थी सच की तस्वीर, लोग जितना मर्जी झूठ बोलें लेकिन सच यही है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का आक्रामक प्रचार रहा है उससे बीजेपी अन्य दल उससे घबराए हुए हैं, खास करके मीडिया का एक समूह जो है वो भी इससे परेशान है। इमरान प्रतापगढ़ी की जो गुजरात में है वो जो जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसकी बहुत मांग है, वो इसलिए मांग है क्योंकि उनके जो सभा है उसमें भीड़ काफ़ी आ रही है, लोग उनको सुन रहे हैं और सुनकर कहीं ना कहीं माहौल बदल रहा है, कांग्रेस के पक्ष की बात हो रही है, तो कुछ लोग तो झूठ दिखाएंगे ही, लेकिन हमने आपको ये सच की तस्वीर दिखाई। नमस्कार, आप देखते रहिए INC TV।